के लिए नई बसों की खरीद, बसों के अनुबंध पर लिए जाने और मौजूदा स्टाफ की कमी को देखते हुए नई भर्ती के लिए मंजूरी दी गई। ये बजट घोषणाएं राजस्थान रोडवेज के लिए संजीवनी साबित होने वाली है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में बसों की कमी के चलते रोडवेज के लिए संकट गहराता ही जा रहा है। इस पर तैयार एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान रोडवेज 5 साल पहले रोजाना औसतन 9 लाख यात्रियों को यात्रा करवा रही थी, लेकिन अब बसों में सफर करने वाले लोगों की संख्या महज 7 लाख के आसपास रह गई है। रोडवेज प्रशासन के पास बसों की कमी के चलते संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान रोडवेज में बसों की कमी का संकट पिछले 5 सालों में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले 5 साल में एक भी नई बस की खरीद नहीं हो पाई है। इस कारण लगातार बसें पुरानी होकर कबाड़ होती जा रही हैं। इससे आम जन को सफर करने के लिए बसें मुहैया करा पाना रोडवेज प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। पिछले 1.5 साल से चल रही बस खरीद की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। 510 नई बसों की खरीद के लिए रोडवेज प्रशासन ने पिछले साल जनवरी से टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी, जो फरवरी 2024 में पूरी हो चुकी है। रोडवेज प्रशासन ने 510 बसों के चेसिस के लिए टाटा कंपनी को टेंडर दिया है, जबकि इनकी बस बॉडी बनाने के लिए एक अन्य कंपनी को अनुबंधित किया है। ये बसें अगले महीने से रोडवेज प्रशासन को मिलने की उम्मीद है। अब आपको बताते हैं कि बीते 5 सालों के दौरान प्रदेश में रोडवेज की तस्वीर कितनी बदली और कैसे बदली। जून 2019 में रोडवेज बसों में औसत यात्री भार करीब 9 लाख यात्री का था। बात बसों की उपलब्धता की करें तो रोडवेज के पास अपनी 3800 बसें थी, जबकि 950 बसें अनुबंधित थी। जून 2019 में प्रतिदिन का रेवेन्यू औसतन 5 करोड़ रुपए था और बसों का कुल संचालन 4,61,00,000 किलोमीटर का रहा, यानी रोज औसतन 15,40,000 किलोमीटर संचालन हुआ। वहीं जून 2024 यानी 5 साल बाद की बात करें तो रोडवेज बसों में औसत यात्री भार करीब 7 लाख यात्री रोजाना रहा। इस वक्त रोडवेज के पास 2,550 अपनी बसें हैं, जबकि अनुबंधित बसों की संख्या 860 हो गई है। जून 2024 में रोजाना रेवेन्यू करीब 4,60,00,000 रुपए रहा। जून में बसों का कुल संचालन 3,50,00,000 किलोमीटर रहा, यानी कि रोज औसतन 11,50,000 किलोमीटर का संचालन किया गया। मौजूदा हालात के चलते रोडवेज प्रशासन को न सिर्फ वित्तीय नुकसान हो रहा है, बल्कि यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणाएं रोडवेज के लिए संजीवनी साबित होंगी। बजट में एक तरफ जहां रोडवेज को अगले 2 साल में 500 नई एक्सप्रेस बसें खरीदने के लिए मंजूरी मिली है, तो साथ ही सर्विस मॉडल यानी कि अनुबंध के आधार पर 800 नई बसें लेने की भी घोषणा कर दी गई है। इससे रोडवेज की खुद की बसें बढ़ेंगी और संचालन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं स्टाफ की कमी से जूझ रहे रोडवेज प्रशासन को 1,650 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी मिल गई है। इस तरह से बजट घोषणाओं के पूरा होने पर रोडवेज प्रशासन को न केवल पर्याप्त बसें मिल पाएंगी, साथ ही स्टाफ की कमी पूरे होने से संचालन में अनुबंध पर स्टाफ लेने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।